Very good morning to all my dear students. In our today's lecture we will study about the phylum Arthropoda, general character of phylum Arthropoda. So these are some animals which comes in under the arthropod phyla, and these phylum species are largest species in animal kingdom. From protozoa to echinodermata, these arthropods species are largest species. Now we will see the general characters of arthropoda. First of all, you should know the name arthropoda. What is the meaning of arthropoda? So arthros means joints and pods means food. Joint food जीव में होते हैं उन्हें हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं. जॉइंट फूड वाले एनिमल होंगे इसमें, ठीक है. नेम आर्थ्रोपोडा सजेस्टेड बाय प्रोफेसर कार्ल थियोडोर इन वॉन शिलबोल्ड. इन्होंने नेम सजेस्ट किया था कि हम इसका नेम ये फाइला का आर्थ्रोपोडा रखते हैं. देन लार्जेस्ट स्पेसिस कंटेनिंग फाइला इन एंटायर एनिमल किंगडम. अभी कहा है मैंने आपको कि सबसे लार्जेस्ट स्पेसिस होते हैं इन इसमें आर्थ्रोपोडा में, एंड ऑकर्स वाइडली ऑन लैंड, एयर्स, वाटर एंड फ्रेश साइट. लैंड में भी रहने वाले एनिमल्स पाए जाते हैं इसमें, एयर में रहने वाले भी एनिमल रहेंगे इसमें, देन वाटर में भी एनिमल रहने वाले भी इसमें आएंगे. देन पैरासाइटिक जो होते हैं डिपेंड्स होते हैं अदर एनिमल्स पे, वो भी इसमें होंगे. देन सिमेट्री जो है इसकी, ये बायलैटरल सिमेट्री है. बायलैटरल सिमेट्री मीन्स वॉट? मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी कट दिस एनिमल्स फ्रॉम सेंटर तो हमें वहां पर टू इक्वल वाल्व हेल्प्स मिलेंगे. टू इक्वल पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड होगी. दैट्स व्हाई वी कॉल बायलैटरल सिमेट्री ऑफ दिस एनिमल्स. देन बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी? बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म. ये जो एक्टोडर्म है ये आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली. देन एंडोडर्म अगर हम देखें तो ये एंडोडर्म, ये इनर मोस्ट लेयर. देन नेक्स्ट इज मेसोडर्म. मेसोडर्म इज ये येल्लो वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है. सो बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी. देन बॉडी सेगमेंटेड. इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होगी, ये सेगमेंट्स में डिवाइड होगी. देन रेजिनेटेड बॉडी. ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट एक्सोस्केलेटन ऑफ थिक एंड हार्ड चिटिनस क्यूटिकल सीक्रेटेड बाय एपिडर्मिस. अभी ये एपिडर्मिस जो सीक्रेट करती है वो होता है एक आउटर मोस्ट एक्सोस्केलेटन का हार्ड शेल होता है इनकी बॉडी पर. हार्ड शेल होता है, थिक हार्ड शेल, एंड चिटिनस क्यूटिकल जो है वो होता है. देन ज्वाइंटेड अपेंडेजेस adapted for locomotion. अब इनके jointed जो appendages होते हैं उनका क्या use होता है इन animals में? Means उनके appendages जो होते हैं, legs जो बोलते हैं ना हम, legs उनके पैर, उन्हें पैरों को हम appendages बोलते हैं. तो वो jointed appendages का work क्या है? For locomotion, ठीक है. Prawn देखा होगा आपने, prawn झींगा, उसके पैर कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, वो locomotion के लिए use होते हैं. Then food ingestion के लिए use होते हैं, means food को पकड़ना उसके लिए भी यूज होते हैं. देन रेस्पिरेशन भी करते हैं वो उसके थ्रू कुछ एनिमल्स में. देन कैपुलेशन मीन्स मेटिंग जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो के लिए जो मेटिंग की जरूरत होती है वो कॉपुलेशन उसे कहते हैं. देन कॉपुलेशन भी विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स करते हैं. देन मस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड. मस्कुलर सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होता है, मसल्स बहुत होते हैं, मसल फाइबर स्टेरिएटेड बहुत होते हैं, ठीक है. देन डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीट होता है, माउथ भी होता है, एनस भी होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली कम्प्लीट होता है. देन लैटरल जॉज फॉर चीविंग एंड सेकिंग. लैटरल जॉज जो प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल्स में, इनके आर्थ्रोपोड के मेंबर्स में, तो वो चबाने के लिए और ब्लड को सक करने के लिए यूज होता है. देन सीलोम रिड्यूस्ड विथ ब्लड हीमोसील. अब सीलोम जो है वो कैसा है? हीमोसील है, हीमोसील. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन. रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो कौन सा है? हीमोसाइनिन होता है. देन रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ट्रकिया और बुक लंग्स एंड डिफ्यूजन. अब रेस्पिरेशन जो करता है वह कैसे करता है? गिल्स के थ्रू करेंगे कुछ एनिमल ट्रकिया के थ्रू करेंगे और कुछ करेंगे बुक लंग्स के थ्रू, ठीक है. तो यहाँ पर ये बुक लंग्स शो किए हैं, ये बुक लंग्स
में कैसा होता है, ये ब्लड का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये ब्लड का फ्लो, आर्ट्रियम है, देन लैमिली ऑफ लंग्स है, ठीक है ना। देन सीलोम रिड्यूस्ड विथ ब्लड हीमोसिन। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सक्रीशन कैसा है, अब हमने उसका रेस्पिरेशन तो देख लिया कि गिल के थ्रू है कुछ एनिमल में, कुछ एनिमल में ट्रकिया के थ्रू है, कुछ में बुक लंग्स के थ्रू ना। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय कोक्सल ग्लैंड एंड मालपिजियन टिब्यूल, इनके जरिए क्या होगा यहाँ पर एक्सक्रीशन होगा। देन नर्वस सिस्टम बेसिक सिमिलर टू एनिलिड प्लांट्स, नर्वस सिस्टम बेसिक सिमिलर टू एनिलेड प्लांट, जो एनिलेड में जिस तरह का नर्वस सिस्टम था उसी तरह का होगा इसमें। देन वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन, वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन होते हैं। देन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा एंड फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा, ठीक है। ये बुक लंग्स का एक डायग्राम शो किया था। देन एग्स आर मेगालोसाइटल, ओवीपेरस और वीवीपेरस, ओवीपेरस और वीवीपेरस कुछ एग्स ले करेंगे, कोई यंग वन को बर्थ देंगे, ठीक है। देन लाइफ साइकिल इंक्लूड्स वन और मोर लार्वल स्टेजेस, लाइफ साइकिल जो कंप्लीट हो रही है वो लार्वल स्टेजेस में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो होप के आपको समझ आया होगा, थैंक यू सो मच।